गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेचा व्लॉग्स। हाँ भाई चीतोस, कैसे हो? सबकी सुबह हो गई या नहीं हो गई? ओ सॉरी, व्लॉग तो शाम को आएगा ना, तो सुबह तो हो ही गई होगी। बट ऑब्वियस बाकी हम लोगों की सुबह हो गई है, सुबह 8 बजे की। यस, और अभी टाइम हो रहा है 9:15। यस भाई, 9:15 बज रहे हैं। आज संडे है फिर भी इतना जल्दी रेडी हो गए हैं, क्यों? क्योंकि आपको लास्ट व्लॉग में बताया, वैसे आज हमको जाना है शूट पे, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार जगह पे जाना है आज। और ये इसीलिए रुचा देखो पीछे रेडी हो रही है, बाकी एक बार वो रेडी हो जाए फिर हम लोग निकलते हैं। निकल के सबसे पहला हमारा स्टॉप क्या होगा? आप लोग क्या करते हो घर से निकलने के बाद सबसे पहले? या तो सीधा जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे पहुँच जाओगे, या तो जो व्हीकल लेके जा रहे हो उसमें फ्यूल अप करवाना होगा फ्यूल अप करवाओगे। हम ये दोनों में से कुछ भी नहीं करेंगे। हम सबसे पहले रुकेंगे रुचा आलू पूरी खाने के लिए। हाँ भाई, आलू पूरी खाने के लिए रुकेंगे, बराबर। तो चलो, रुचा भी रेडी हो गई है, उसने मेरे मोजे मेरे छाती पे फेंक के मार दिए है, पर मुझे लगे नहीं है। चलो कोई नहीं गाइस, बारिश आ रही है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो फिर बड़ी धन्नो लेके ही अपने को जाना पड़ेगा। और रुचा ने लाइटिंग सेटअप पूरा बंद कर दिया है, तो चलो अभी फटाफट से भागते हैं नीचे और आपको सीधा गाड़ी में मिलते हैं। तो भाई, जैसे कि प्रेरक ने आपको बोला कि हम लोग निकल रहे हैं, तो 9:30 बजे हम लोग एक्चुअली में निकले, क्योंकि नीचे थोड़ी देर के लिए मेरे को ऐसा इधर उधर का सब कुछ करना था काम, क्योंकि मम्मी तो है नहीं। तो मैं सुबह सुबह 7 बजे उठकर सारी, मतलब मैंने लंच वगैरह सब बना दिया। दादा का शीरा, राइस, 2 सब्जी, एक दादा की और एक पापा की रोटियां और दाल, और सब बना के निकली। मैं तो सुबह 7 बजे की उठी हूँ, तो अभी नींद तो अभी मेरे को नहीं लगता है मेरी खत्म होएगी। तो अभी तो प्रेरक गया है यहाँ पे साई नाथ की आलू पूरी लेने के लिए। मैंने बोला तू जा भाई, क्योंकि देखो बाहर बारिश हो रही है और बहुत ही लंबी लाइन है। मेरे को यहाँ से प्रेरक दिख रहा है, मतलब वो बहुत लंबी लाइन में खड़ा है, और वो वहां से मेरे को मैसेज कर रहा है यहाँ पे कि यार बहुत लंबी लाइन है। मैंने बोला रुक तू, मैं आती हूँ अगर बारिश कम होती तो। बाकी मेरे को नहीं यार, मेरे को नहीं पसंद है बारिश में भीगना, क्योंकि मेरे को बचपन में बहुत पसंद है, लेकिन शादी के बाद नहीं पसंद है, क्योंकि फिर ना गीले होते हैं, फिर नहाना पड़ता है, मैं तो तुरंत ही मेरे को तो फीवर हो जाता है बारिश से। तो अभी प्रेरक आता है, तब देखते हैं। एक्चुअली मैं उसने मेरे को पूछा भी नहीं आज की तू कौन सी आलू पूरी खाएगी, देखते हैं अगर वो चीज कटलेस लेके आए तो मेरे मजे पड़ जाएंगे, लेकिन लेट्स सी कौन सी लेके आता है। और कुर्ता ही डाला हुआ है तो नॉर्मल सा। हाँ। मैं अभी यही बोल रही थी कि काश प्रेरक चीज कटलेस लेके आए, तो तू वही लेके आए मेरे लिए। पता है तेरे को क्या खाना है? तो तेरे लिए नॉर्मल कटलेस और सादी। यस यस यार, प्रेरक 1.5 महीना हो गया आलू पूरी खाए। आलू पूरी माता। मेरे मुंह में रोज जाना। पर मुझे जाड़ा ना करना। जाड़ा? मोटा। अच्छा। देखो भाई, 12:50 हो गई है और मेरे को एक जगह से ये वाली चोली कलेक्ट करनी थी भाई। इतना प्यारा सा कलर है ना ये कलर, के मैंने कभी चोली नहीं पहनी है, मतलब शूट वूट में पहनी है ये वाली चोली। एक भैया ने दी है संजू डिजाइनर में, आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लेना। बाकी प्रेरक अभी कहाँ जाना है बोल दे। चल, अभी जाना है दूसरे काम के लिए। साला संडे को काम खत्म ही नहीं होता है। प्रेरक प्लीज, हमें को सोना है। हाँ, तो अभी ये काम वाम खत्म करके, अभी एक मीटिंग है वो खत्म करके, वो मीटिंग खत्म हो फिर घर जाके सो जाएंगे। यार देखो भाई, इतने बजे वो मेरे को मीटिंग में लेके जाएगा, पता नहीं मीटिंग कितने बजे खत्म होगी, पता नहीं हम लोग कितने बजे घर पहुंचेंगे। मीटिंग चालू 3 बजे होने वाली है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। वो पता है मेरे को, अभी ये मेरे से क्या करवाएगा पता है? यहाँ पे बीच रास्ते पे बैठ के कहीं पे खड़ी रखेगा, बोलेगा चल रील शूट करते हैं, यही तेरा इरादा है ना? और बाजू बाजू में तो खेत वेत सब दिख रहा है, और थोड़ा थोड़ा सा अच्छा हुआ बड़े धन्नो लेके ही आ गए, क्योंकि भाई बारिश हो रही है। और मम्मी का अहमदाबाद से कॉल आया कि तुम लोग बाहर निकलो, तो मतलब हम लोग तो गाड़ी ही बोलते गाड़ी लेके निकलना। मैंने बोला क्यों? बोल रही यहाँ पे तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। मैंने बोला नहीं, हम लोगों ने रिस्क लिया ही नहीं, हम लोगों ने कार ही लेके हम लोग निकले हुए ऑलरेडी। तो कोई नहीं, देखते हम लोग कितने बजे घर पहुंचते, आगे कहाँ प्रेरक लेके जाता है मुझे भी नहीं पता है, तो मुझे जैसे पता चलता है वैसे मैं आपको बताती हूँ। 12:58 हो गए और यहाँ पे ट्रैफिक देखो, ओ बाप रे। और देखो 7 किलोमीटर सिर्फ हमको जाना है जहाँ पे मीटिंग है वहाँ पे, और वहाँ के लिए 20 मिनट का रास्ता बता रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक।
फंस गए भाई ट्रैफिक में बुरी तरह। पति वनपति कुछ जा रहा है, सॉन्ग बज रहा है, धमक धमक डीजे वीजे दिख रहा है ना, वो छापरे वाला वो गणपति या डीजे का है पूरा। लेट्स गो। मासी ये साड़ी सारी पहन लीजिए। देखो भाई 5:30 देर है और हम लोग ये कुछ 99 शॉपिंग में पहुंच गए हैं, जो कि अमरोली होता है ना, अमरोली में। लेकिन अभी तक वो फोन नहीं उठा रहे जिनके साथ मीटिंग है एक्चुअली में। और ये देखो प्रेरक ने क्या किया बताऊं, स्टिक खा गया और चॉकलेट डिप रहने दी। ऐसा कौन करता है भाई? सबको पता है कि प्रेरक भाई ऐसा करते ही नहीं है, ये सब चीजें ये सब काम ही तेरे है। शट अप और चलना, कार पार्क कर देना भाई। पार्किंग पता तो होनी चाहिए, वो तो लिखा है वे टू पार्किंग तो लिखा है वहाँ पे, वो शॉप ऑनर्स के लिए पार्किंग होती है। टाइम देख लो भाई, 4:30 के ऊपर हो रहे हैं और रुचा ने हाथ में सांसी पकड़ा दी भाई। सांसी को उसकी जगह पे रख देते हैं और हम लोग आ तो गए थे, आधा पौना घंटा के ऊपर हो गया आए हुए, बट अभी फिर से ये वाला जो रूम है वो तैयार करना है। किसके लिए? गन्नू दादा आ रहे हैं तो गन्नू दादा के लिए रूम तैयार करना है, तो बस मैं और रुचा उसी में लगे हुए हैं। फाइनली आप लोगों ने आगे एक लंबा सा टाइम स्लैप देखा होगा, तो ये सब इधर उधर करा के अभी फाइनली थोड़ा ऐसा बहुत डेकोरेशन रुचा ने फाइनल किया है। और ये देखो नीचे ऐसे मोतियों की ऐसे लाइन लगाई है बीच में, ये इसको स्वस्तिक बोलते हैं वो है, ऐसा सब है भाई बराबर। बाकी अभी इसमें देखते हैं लाइटिंग वाइटिंग का क्या सीन होता है। और देखो अभी ये सब तो लगा ही रही है वो, नहीं अच्छा लग रहा है रुचा, वो रहने दे, वो लटकाने का है, उसको चिपका क्यों रही है? पर मत लटकाना, जरूरी थोड़ी है मतलब करना ही, बहुत ओवर ओवर लगेगा, रहने दे, नहीं अच्छा लगेगा। चलो भाई तो अभी ये सब तो हो रहा है, हालत देख लो मेरी भी पूरी एकदम पसीने से लथपथ होके भीग चुका हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता है, बाद में मिलते हैं आपको। फ्रेशन अप होने के लिए भाई ऊपर रूम में आया था, फ्रेशन अप तो हो लिए, रुचा तो नीचे भी चली गई फ्रेशन अप होने के बाद, रोटियां वोटियां उसको करनी थी तो कुछ। भाई आज इतने थक गए यार, कहीं बाहर जाने का भी प्लान नहीं है यार, आज संडे है, गणपति भी इतने सारे आने वाले, एक दो दोस्त लोगों के भी आने वाले, उन्होंने भी बुलाया है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है यार। आप मानोगे नहीं यार, सूरत में सिर्फ कम से कम 120 किलोमीटर के ऊपर तो सिर्फ सूरत में ही गाड़ी ड्राइव हो गई, बोलो। अभी टाइम 9:15 हो रहा है, जाते हैं नीचे डिनर करते हैं भाई, डिनर करते हैं, भूख ताबड़तोड़ लगी हुई है। बाकी आप लोगों के यहाँ पे कैसी बारिश है कैसे नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो नीचे चलो, डिनर विनर कंप्लीट हो गया, आज मैं अकेला बाहर जा रहा हूँ। रुचा क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कल काम वाली दीदी नहीं आने वाली है, तो वो बोले प्रेरक बोले ये जो खाना वाना है बोले वो आप देके आओ, और उतनी देर तक मैं बोले बर्तन बर्तन जो मांजने वाजने और चढ़ाने बनाने होते हैं वो कर देता है। तो चलो भाई थोड़ा सूरज दिखाता हूँ आप लोगों को। Yeah.
देख रहे हो भाई, हालत देख रहे हो। मैंने आप लोगों को आगे शॉर्ट्स में दिखाया, वैसे भाई कितने गणपति कहीं पे वो नगारे बज रहे हैं, कहीं पे डीजे बज रहा है, कोई कोई रूम कोई कोई रोड ऐसा एकदम खाली खाली सा भी आ रहा है। बट भाई बहुत गणपति। मैं ये वाली दवाई भी लाया क्योंकि मेरे को है ना सूखी खांसी हो गई है, तो पापा ने बोला ये टस्क्यूडी बोले अच्छी आती है, बोली ले ले। क्या बोल रहा हूँ रुचा, ये सब मैं आज है, होता है भाई। कोई कोई बार एकदम ऐसे फटाफट ऊपर चढ़ के आया ना, तो एकदम ऐसे गर्मी से भी लग रही है। प्रेरक चला गया है फ्रेशन अप होने के लिए और उसने मेरे को बताया कि भाई रुचा अच्छा हुआ कि तू नहीं आई। गली गली में गणपति थे, जहां जाओ वहां गणपति उसको मिले। उसने थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी क्लिक किए, तो आप लोगों ने आगे देख ही लिए होंगे भाई। मंगलवार को गणपति है और आज है संडे, सिर्फ एक दिन बचा है कल का गणपति के लिए, इसलिए सब आज ही लेके आए थे। और आज को आपको सुनाई दे बैकग्राउंड में, तो सुनो फटाके की आवाज आ रही है पीछे से मेरे। तो कोई नहीं, प्रेरक सर गए हैं फैशन अप करने के लिए, मैं तो फैशन अप हो गई हूँ करके। मैं जैसा कि प्रेरक ने बताया, हमारी काम वाली दीदी नहीं आने वाले है, तो मेरे पे बहुत ही बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है गाइस। प्लीज मेरे को आश्वासन दे देना, बाकी कोई नहीं, सो जाती हूँ ताकि जल्दी उठ पाऊँ और सब काम कर पाऊँ, हिम्मत मिले मुझे काम करने की। तो कोई नहीं गाइस, अगर आज का आपका तोतला गई, अगर आपको आज का हमारा छोटू सा व्लॉग पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। ये पीछे देखो, मेरे लगने खुला रख दिया है पागल।